वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो भाई आज हम लोगों को जो है यहाँ पे सेकंड डे है, दूसरा दिन है, जो कि जो हमने होटल जो अपना ले रखा है वो मैंने आपको बताया ही था, मैकलॉडगंज और धर्मशाला के बीच में है ये होटल। तो अगर हमें, वैसे तो हम लोग मैकलॉडगंज तो घूम ही लिए हैं, अब हम लोग को एक्सप्लोर करना है धर्मशाला, तो ताकि मतलब थोड़ा बीच में रहे तो आराम से आना जाना हमारा ईजी रहे, है ना। तो मैंने आपको बताया था होटल हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें जो है मिल गया और बहुत कंफर्टेबल। अभी बहुत मैसी हो रखा है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, स्पेशली जब बच्चे साथ होते हैं तब तो बहुत मैसी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का इतना सारा सामान होता है कि बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो कुछ दिनों से जो है ध्यान को ये भी नहला रहे हैं, तो अभी भी जो है यह मैंने रेडी कर दी और ध्यान को ये भी नहला रहे हैं और उसको फिर मैं रेडी कर दूंगी और ये भी नहा के आ जाएंगे और फिर मैं भी जल्दी से नहाकर जो है रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि कल क्या हुआ था हमारे साथ, हम ब्रेकफास्ट करने में और रेडी शेडी होने में ही हम लोगों ने 12-1 बजा दिया था, जो कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमने यही सोचा है कि हम लोग जल्दी से पहले रेडी होके नीचे पहुँच जाते हैं डाइनिंग पे, हम ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे। तो अभी हमने ये सोच रखा है और क्योंकि जल्दी निकलेंगे, जल्दी जो है टाइम से निकलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जो है कवर होगी, तो बस एक यही है। और बस फिर ठीक है, आप लोग को भी इस वाले व्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ देखने को जो है मिलेगी, है ना, कोशिश यही रहेगी मेरी। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये भी सुंदर है, भूमि के भी सुंदर लग रहे हैं, ये मतलब 120 के मतलब 4,500 के, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और भूमि के हैं ये तो बहुत सुंदर। लोग आ गए हैं एक मंदिर में जो कि है श्री दुर्गा माता कुनार। चलो तो यहाँ पे सब आते हैं, ये भी एक पॉइंट है, उन्होंने कहा 6-7 पॉइंट है जो आपको हम कवर कराएंगे, तो ये भी इनमें से एक पॉइंट है। तो देखते हैं अंदर मंदिर कैसा है, जो है थोड़ा बदल गया है, बादल हो गए हैं, मन कर रहा है पैराग्लाइड करने का, पर देखते हैं, थोड़ी सी हिम्मत जो है जुटानी पड़ेगी। हमने स्लीपर रिमूव करेंगे, चिज्जी प्रसाद मंदिर को अलविदा। मेन पॉइंट है आई लव हिमाचल एंड ब्रू, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चाय पत्ती वगैरह जो है अच्छे अच्छे मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो चाय पत्ती लेनी चाहिए। चाय पत्ती का पूरा बड़ा सा खेत कह लो, गार्डन कह लो, कुछ भी हंस रही यू। चलो ध्यान इधर देख, फेमस धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम पे, जो कि बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी। ग्राउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रैक्टिस करता है विराट कोहली। वर्ल्ड कप मैच होता है यहाँ पे, खेला था, बहुत सुंदर है। तो भाई हमारे ऊपर की तरफ अब आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड बड़ा सा। तो भाई ये रहा ग्राउंड, ये भी आपको बहुत हाँ
वैसे ही मेरे को मैगी खाने का मन था, पर अच्छी जगह पे मैगी मिल गई तो भाई यहाँ पे बनवा रही है मैगी। और एक ही था भैया, दो हम आए हैं धर्मशाला तिब्बतीन जो है मंदिर, तो देख सकते हो भाई यहाँ पे शायद में भी अपार्टमेंट्स हैं इनके रहने के। और ये सामने जो है तो ये रहा बोर्ड, कहाँ नहीं गया वो भी भाग करके आ गए हैं ऊपर। बितिन के जो है एक और म्यूजियम में आए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब हर तरफ हरियाली हरियाली, बहुत मज़ा आ रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा रेस्टोरेंट दिखाया, अभी बारिश हो रही है, मैं फिर भी बाहर वीडियो बनाने आई हूँ। तो ये है तिब्बती फूड है यहाँ पे, ये देखो नॉर्लिंग रेस्टोरेंट, जो भी कभी आए यहाँ पे तो ज़रूर ट्राई करना। भाई घूम फिर करके हम आ गए हैं अपने होटल वापस और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगह में जो है विजिट करी, बहुत सारे मंदिर देखे और मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, आपको मैंने सब चीज़ें दिखा दी थी। तो बस अब थोड़ी देर करेंगे हम लोग क्या कहते हैं रेस्ट, और उसके बाद शाम को सोच रहे हैं हम लोग कि मूवी देखें, शैतान मूवी देखने का मन है, तो शायद हम लोग शाम को जा कर के मूवी देखें जो भी अभी हमें शो मिल जाएगा 2-2.5 घंटे बाद का। तो चलो बस मूवी, क्योंकि मूवी जो मैक्स मॉल है जो हमारे होटल के बिल्कुल नियर ही है, वॉकिंग जो है डिस्टेंस है, तो बस हम लोग जाएंगे शाम को वहाँ पे जाके मूवी देखेंगे। और आप लोग को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।